हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्रिएटिव सुष्मिता में पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ और थोड़ा सा इधर उधर टहला है और बस मेरा थोड़ा सर्दी हो गई है, तो माफ़ करिएगा, गला थोड़ा ख़राब है और बस गर्म पानी थोड़ा सा पी रही हूँ। इसके बाद हम लोग काम में भिड़ने वाले हैं। तो आज मैं ना सबसे पहला काम करने वाली हूँ, जो है एक आप लोगों के दिखाऊंगी, बहुत अच्छा सा चीज़ बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम बनाने वाले हैं आज लाई की बड़ी, जो कि मैंने दिवाली के टाइम ही ये मिलता है सर, बाकी टाइम तो नहीं मिलता है लाई जो होती है। तो मैं धान का जो फूटा होता है उसकी बड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग को भी मैं दिखा दूं, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, और ब्लॉग में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिए। फिर हम देखते हैं कैसे बनाते हैं बड़ी। यकीन मानिए, इस बड़ी को खाने के बाद ना आलू का जो चिप्स होता है वो आप लोग खाना भूल जाएंगे। तो फिर और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, तो फिर चलते हैं बनाते हैं कैसे बनती है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और पहले मैं लाई को निकाल लेती हूँ। ये है लाई, ये मैंने इसको बहुत सारा लिया है क्योंकि बहुत सारा मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पानी में डुबा देती हूँ। जब तक ये पानी में डूबेगा 10 से 15 मिनट, उतना तक मैं लहसुन वगैरह छील लेती हूँ क्योंकि इसमें जो यूज होना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है, तो इतना तो भीगने से थोड़ा बाहर गिर जाएगा। तो मैंने इसको निकाल लिया, अब मैं इसमें डालूंगी पानी ताकि ये अच्छे से डूब जाए। और इतना भी नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि ये डूब जाए और ये पूरा गीला हो जाए। तो मैं इसको भिगा दी हूँ और इसमें ना थोड़े थोड़े धान के छिलके हैं, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, धान के इसमें ना थोड़े थोड़े छिलके हैं इस तरह से, तो इनको मैं निकाल दूंगी सबको ताकि खाते टाइम ये जो है मुंह में ना फंसे। और बस इसको भीगने के लिए मैं छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, ये ना जो बड़ी है लाई बड़ी, ये बनाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसका टेस्ट जो है ना आलू का, जब इसको आप खाएंगे ना तो आलू का चिप्स जो है आपको फीका लगने लगेगा, और इसमें जो अदरक लहसुन वगैरह पड़ेगा वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ठंड में। तो ये मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन लिया है, इसको पहले मैं पीस लूँगी उसी में मिलाने के लिए। तो इसको पहले पीस लेते हैं फिर बनाते हैं। तो ये देखिए, मेरी जो लाई है वो इस तरह से भीग गई है और मैंने अदरक को भी इस तरह से पेस्ट कर लिया है। और अब इसको मैं अदरक को इस लाई में मिला दूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो मैं मिला लेती हूँ अच्छी तरह से, इसको इसमें सारा डाल दूंगी। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि मतलब टेस्ट नमक का लगे पर ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे मैंने इतने सारे इसमें लाई में 2 टेबल स्पून डाला है और अदरक भी डाल दिया है मैंने। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च को इसी में पीस दीजिए अदरक में। तो मैं जो है हरी मिर्च नहीं ऐड की हूँ, लाल मिर्च थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा 1 टेबल स्पून जो है डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और बस मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी सारे को इस तरह से। सारा इसी तरह से मिला लेना है। ये मैंने इस तरह से मिला लिया है, अब इसको जाएंगे और धूप में
इस तरह से बना बना के सुखाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाहर में आ गई हूँ और इसको सारी बड़ी जितनी है धूप में सुखा लूँगी। इसको सूखने में 2 से 3 दिन लग जाता है, फिर इसके बाद जब सूख जाएगा तो हम इसको कपड़े से निकाल लेंगे और फिर एक दिन और सुखाएंगे। अच्छी तरह से सूख जाने पे ही ये तलने पे बहुत अच्छा फूलता है। तो सारी एक पर्रा मैंने बना लिया है, ये दूसरा पर्रा मैं बना रही हूँ और मैं अपने भाई से बात भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स अभी अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।